बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर हियर एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड आई होप आपको जो हमने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और साथ हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ साइंस एज वेल एज योर नोटबुक एंड ओपन योर पेज नंबर 18। आज हम करेंगे जी क्वेश्चन एंड आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स आप अपने नोटबुक पे करेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, देन आप आंसर लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फिर आप आंसर लिखेंगे। मैं सिर्फ आपको आंसर्स लिख के बताऊंगी, लेकिन आपने क्वेश्चंस और आंसर्स लिखने हैं, राइट? क्वेश्चन पहले लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बोन्स कंटेन इन देयर इनर मोस्ट पार्ट में बोन्स की क्या होता है? Bones contain marrow in their innermost part। कि बोन्स के सबसे अंदर वाले पार्ट में क्या होता है? तो वो क्या होता है? मैरो होता है, राइट? बोन्स के सबसे अंदर वाले पार्ट में मैरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लंग्स डज द ह्यूमन बॉडी हैव? हाउ मैनी लंग्स डू वी हैव? द ह्यूमन बॉडी हैज 2 लंग्स, राइट? हर ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं। नंबर 3rd क्वेश्चन, The bones that make up your spine are called what? वो bone जो आपका spinal cord बनाती है, spine बनाती है, उनको क्या कहा जाता है? The bones that make up spine, वो bones जो spine बनाती है, are called वर्टीब्रेट। उसको क्या कहते हैं? वर्टीब्रेट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू योर हार्ट एंड अराउंड योर बॉडी इज कॉल्ड। अब हमारी बॉडी और हमारे हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, जो हार्ट से होता है, थ्रू द हार्ट अराउंड द बॉडी, थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। क्या कहते हैं उसको? हम सर्कुलेशन कहते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटसाइड लेयर ऑफ द स्किन ऑन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड? अब हमारी जो स्किन की सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? द आउटर लेयर ऑफ स्किन on human body is called epidermis। outer layer को हमने क्या पढ़ा था? क्या कहते हैं? epidermis। now the next question, question number 6, explain malnutrition in your own words। अब हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। हमने ये पढ़ा था माल न्यूट्रिशन एक डिजीज होती है, वो किस वजह से होती है, अब हम उसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं। माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम, जो किस वजह से होती है? फ्रॉम ईटिंग अ डाइट, ऐसी डाइट खाने से जिसमें, इन विच
in which nutrients are either not enough. वो डाइट खाने से होती है जिसमें या तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जितनी अमाउंट हमें चाहिए या तो वो होती नहीं है या और आर टू मच, या फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं टू मच, बहुत ज्यादा होते हैं. दैट द डाइट कॉजेस, तो फिर इस वजह से क्या होता है इस डाइट जिसमें या तो बहुत ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं या आपके उसमें न्यूट्रिएंट्स इतने शामिल नहीं होते जितने हमें चाहिए होते हैं, उस वजह से माल न्यूट्रिशन होती है. टू मैन दैट द डाइट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? What is hygiene? What are its basic principles? हाँ जी, हाइजीन क्या होती है और इसके बेसिक रूल्स या यू कैन से व्हाट बेसिक प्रिंसिपल्स आर. तो एनी एक्शन दैट मेंटेन्स, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, एनी एक्शन दैट मेंटेन्स वंस हेल्थ and prevent diseases or diseases से prevent करती हैं diseases is called hygiene. right, इसको क्या कहते हैं hygiene. food hygiene involves a clean workplace and safe production of food अब ये कुछ रूल्स है ना, अब उन्होंने फूड हाइजीन का रूल बताया है कि फूड हाइजीन में क्या होना चाहिए. एक तो जहां खाना पक रहा है और जैसे खाना पक रहा है वो दोनों क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए. राइट, इट्स मेन पर्पस. अब इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन पर्पस क्या है, इट्स मेन पर्पस इज टू मेंटेन गुड हेल्थ good health. right, now come to question number 8. what the question number 8 is, how does fiber help our bodies? fiber hamari bodies mein kya madad karti hain? right, kya madad karti hain ye humne padha tha. fiber is very important in our diet. fiber is very important, बहुत important होता है हमारी diet में, हमारे खाने में. fiber is very important in our diet because it helps to move food through the stomach. किसमें हेल्प करता है, मूव को, फूड को मूव करने में स्टमक से. और क्या प्रिवेंट करता है, हेल्प हेल्पिंग टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. राइट, फूड को हेल्प करता है मूव करने में और प्रिवेंट करता है किससे, कॉन्स्टिपेशन से.
Now, next question, question number 9. What says question number 9? Why do we need carbohydrates? हाँ जी, हमें carbohydrates की क्यों जरूरत होती है? We need carbohydrates because क्योंकि they provide what they provide energy to us हमें क्या provide करती है energy provide करते हैं now question number 10 name the bacterium that causes acne हमने acne के बारे में पढ़ा था कि bacteria की bacterial infection की वजह से हमारी skin पे होती है तो अब ऐसा bacteria बताएं जिससे acne cause होती है तो Propionibacterium acnes ये ऐसा है Propionibacterium ऐसा bacteria है जिसकी वजह से क्या cause होती है आपकी acne cause होती है is bacteria that causes acne जो क्या cause करती है acne cause करती है right now question number 11 is what is indigestion क्या होती है indigestion is the feeling of ये भी हमने पढ़ा था हाँ जी, we were discussing about indigestion. Indigestion, what is indigestion? Indigestion is the feeling of discomfort in the upper belly or abdomen during or right after eating right कि हमें lower abdomen में और upper belly में क्या होने लग जाता है दर्द या discomfort होने लग जाती है या तो खाने के दौरान या खाने के फौरन बाद 11, 12. What are the common disorders of teeth? हाँ जी, teeth की क्या diseases या क्या common disorders हो सकते हैं? Most common disorders of teeth are tooth decay होता है और दूसरा टूथ सेंसिटिविटी क्या होती है सेंसिटिविटी तो क्या डिसऑर्डर्स हैं दो एक तो टूथ डिके है और दूसरा आपका टूथ सेंसिटिविटी ओके क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ कैन यू अवॉइड स्टमक डिसऑर्डर्स हम स्टमक डिसऑर्डर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं Stomach disorders can be avoided by allowing enough time for meals chewing food अच्छी तरह खा के चुबा के खाना खाएंगे तो हम stomach disorder से बच सकते हैं and completely a calm environment और अच्छा environment और rest may help
रिलीव स्ट्रेस रिलेटेड इनडाइजेशन, राइट? एनवायरनमेंट और रेस्ट भी आपके स्टमक डिसऑर्डर्स पे अफेक्ट करता है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज टूथ डिके? टूथ डिके क्या है जी? जो अभी हमने पढ़ा डिसऑर्डर, टूथ डिके अकर्स, कब होता है टूथ डिके? व्हेन प्लॉक क्या है? द स्टिकी सब्सटेंस, द स्टिकी सब्सटेंस दैट फॉर्म ऑन टीथ, जो टीथ पे हो जाता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, फिर जब वो कंबाइन होता है, कंबाइंस विद द शुगर, जब आप ऐसी चीज़ें जो जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएं, जब उनके साथ ये स्टिकी सब्सटेंस कंबाइन हो जाता है, तब क्या होता है आपका? टूथ डिके होता है विद द शुगर्स ऑफ फूड वी ईट, राइट? ये थे जी आपके क्या 14 क्वेश्चन एंड आंसर. व्हेन यू विल फिनिश दिस क्वेश्चन आंसर्स, 14 क्वेश्चन आंसर्स, देन यू विल हैव टू कम ऑन एक्टिविटी नंबर 3 ऑन पेज नंबर 21.